मैं उसी स्टेज पर हूँ जहाँ राहुल गांधी ने अभी अभी जनता को संबोधित किया है। ये जन पब्लिक जो बाहर से आए हुए हैं, हाय हेलो करते हुए, मैं आपको बता दूं कि ये पब्लिक जो देश के महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए हैं। स्टेज पे आप देख रहे हैं तो दोस्तों ये दृश्य आप देखकर भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप मेरे पीछे, मैं अभी स्टेज पर हूँ। राहुल गांधी जी ने जहाँ स्पीच दिया उसी स्टेज पर मैं मौजूद हूँ, और इसी स्टेज से राहुल गांधी ने पूरे महाराष्ट्र वासियों को और पूरे कांग्रेसियों को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को संबोधित किया और भारत जोड़ो यात्रा का संदेश भी दिया है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था की गई थी, जिसमें आप देख रहे हैं कि हज़ारों लोग यहाँ मौजूद है, जहाँ हम लोगों का कैमरा नहीं पहुँच पा रहा है वो भी मैं आपको दिखा दूँ कि ऐसा लग रहा था कि जैसे जिस समय राहुल गांधी के फादर राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के समय जनता का सहयोग मिलता था, इसी तरह इन्हें भी भारत जोड़ो यात्रा का यात्रा में सहयोग मिल रहा है। और कई लोग हैं जो यहाँ आज मौजूद, और हम लोग शेगांव में हैं। शेगांव आज शुक्रवार है, 18 नवंबर है, और शेगांव से आप भी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर, कि ये है शेगांव में वो प्रोग्राम जो राहुल गांधी आज जनता को संबोधित करने वाले थे, और उनकी पैदल यात्रा को लेकर हम आज यहाँ मौजूद हैं। ये जन पब्लिक जो बाहर से आए हुए हैं, हाय हेलो करते हुए, मैं आपको बता दूं कि ये पब्लिक जो देश के महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए हैं, और स्टेज पे आप देख रहे हैं विकास भाव ठाकरे नागपुर पश्चिम के आमदार है और दिग्गज नेता जो इस स्टेज पे मौजूद। कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता ये स्टेज पे मौजूद है अभी भी, और जनता जो है वो इस तरह से मिलने के लिए बेताब है। कहीं महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए ये सारे लोग हैं, वो बारी बारी से अपने सभा को समाप्त करते हुए विकास भाव ठाकरे नागपुर पश्चिम आमदार वो भी उपस्थित हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ राहुल गांधी का इंतज़ार किया जा रहा है, और ये जनता फिर से वापस अपने लाडले नेता को देखने के लिए बेताब होने लगी है। आप देख रहे हैं लाइव TNN 24 न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, ये शेगांव की है, जहां आज राहुल गांधी ने अपने जनता को संबोधित करते हुए, कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होए और उन्हें एक सक्षम बनाने के लिए। इस कार्यक्रम में देखा गया कि चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आई, और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने काफ़ी संघर्ष भी किया है। महाराष्ट्र पुलिस ने काफ़ी संघर्ष किया है, अभी भी पब्लिक जो है वो अपने लाडले राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए ये यहाँ इस आनंद सागर में मौजूद है। पुलिस ने शायद ये लाइट इसलिए बंद कर दिया है कि यहाँ से पब्लिक जो है वो बाहर चली जाए, और इस ग्राउंड को, आनंद सागर को खाली करने के लिए एक इशारा देते हुए